7 o'clock to the car. No, okay. हाँ जी शाल बीबी, पीछे सफेदा देख रहे हैं आप? इस तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे। सफेदा काफी बड़ा था तो सेन में ना उसकी पूरी वो छांव जाती थी, धूप आती नहीं थी। तो हमने जनाब क्या किया, ये देखिए आए, बड़ी मेहनत की है जी आज। तो हमने सफेदा सारा काट काट के ना वो यहाँ रख दिया, दीवार के साथ लगा दिया। हाय बुरा हाल है। आए अल्लाह, तो थोड़ी सी ग्रीनरी होगी यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन सा फील हो रहा है। ठीक है, तो गांव उससे हम पूरा सेन जो था वो कवर था उससे। गिरेबान मैंने खुले में काम वाले कपड़े पहने थे, काम करने के टाइम मैं कपड़े पहनूंगा ये। जब मैं वो दूध वगैरह निकालने जाता हूँ तो ये कपड़े पहन लेता हूँ। तो वहाँ पे वो गोबर वगैरह होता, चारा वगैरह डालने जाते हैं ना जब भैंसों को, तो फिर मैं ये सूट रखा हुआ है काम करने के लिए, इसलिए सलवटे हैं ज़्यादा। तो वैसे भी मैं इसलिए कम ही करता हूँ कपड़े के, कपड़े जब पहने तो ऐसे बगैर इस्त्री पहन लो, क्या फ़ायदा। कौन सी ऐसी वो हूर बैठी है जिसने हमें देखना है कि जी वो हीरो आ रहा है, कपड़े प्रेस हैं उसके और वो पर्सनैलिटी है बाबू बन के आ रहा है, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं, पसंद आए तो कबूल कर लें वरना फटे मुँह। मम्मू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं घर, काम करना है अभी काफ़ी सारा, फिर बात करते हैं आपसे आगे। गर्मी लग रही है? हाँ। कल नानाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी तो काफ़ी शाम तक हमें होश नहीं था। ये ड्रिप वगैरह लगी रही कल नानाबू को यहाँ पे, तो ये आज फिर सुबह लगाई थी थोड़ी सी, कंप्लीट नहीं की। अब मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, तो वापस मैं जाऊँ घर, कुछ रिलेटिव्स हैं और ये उनसे मिलने हैं, तो उसके बाद फिर मैं वापसी जाऊँगा भावलपुर। शायद आज रात दूसरे गांव में रुकूँ, वहाँ जाके मेरे ताया अबू की फैमिली है, चाचू हैं, तो उनसे मिलने हैं, तो फिर जाऊँगा मैं कल वापस भावलपुर। टाइम हो गया, नाना अबू से इजाज़त लेते हैं कि जाऊँ अपने। नाना अबू मैं जावा हूँ घर, अपने घर नू जावा, मैं अपने हुन घर नू जावा। मैं हुन ही पर जेला पर जाना जाना तो तेरे मिलना से जे हो जाए। खुश खुश रह कर, अच्छा ठीक है, परेशान ना होया कर। ऐदा मेरा छोड़ा नाना, ठीक है ठीक है। मेरे को आएगा बहुत पर है, मेरे को बहुत पर आएगा। मुझे मैं बड़ा जल न मैं ताकत कोई नहीं, ताकत कोई नहीं, तेनू ले जाएंगे कार च बिठा, तेनू कार च बिठा के ले जाएंगे। ना नहीं मैं जरूर है नहीं, मैं जाना मेरे भरा दे मेरा दे देख गया कर मेरे। अच्छा मिल जाएगा, मैं तेनू मिल जाएगा, तेनू मिल जाएगा करूंगा आके। मेरे को कुछ नहीं, मेरे पर भी कोई नहीं। अच्छा हो जाना, ठीक हो जाना, खुश खुश रह कर, खुश खुश रह कर। ना ना इतना परेशान नहीं होता, ना बहुत दिल नहीं छड़ी जा हुंदा, खुश रह कर बस, तू देखी हो जाना ठीक, सब कुछ ठीक हो जाऊगा। ठीक है, हां दिल नहीं छोटा करना, ठीक है खुश रहना। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो, मैं थोड़ी सी तैयारी करूँगा और निकलूँगा यहाँ से। तो ये कल बच्चे गए हैं ना, तो वो वापस नानाबू से मिलने अपने ननिहाल गए हैं, बड़े मामू के बच्चे। तो नानाबू ने उसकी टेंशन ले ली कि वो चले क्यों गए हैं, तो उसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया, पहले बढ़ गया था फिर उसके बाद लो हुआ बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने ड्रिप वगैरह लगाई, कुछ इंजेक्शन दिए, टेबलेट्स दी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, तो
اب الحمدللہ بہتر ہیں, باتیں وغیرہ کر رہے ہیں. کل تو سارا دن ان کو چپ لگ گئی تھی, وہ جب جا رہے تھے تو چپ ہو گئے بالکل ہی, منہ نیچے کیا اور چپ بیٹھے ہیں جانے کے بعد بالکل ہی. تو وہ نا ٹینشن لے لی کہ بچے چلے گئے ہیں اور میں یہاں اکیلا پڑ جاؤں گا. بچوں سے رونق رہتی ہے نا گھر پہ, تو وہ بڑا فیل ہوا نانا ابو کو کہ یار بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو وہ دو چار دن تک آ جائیں گے تو امید ہے کہ پھر وہ دوبارہ سے رونق بحال ہو جائے گی. تھوڑے دنوں تک آ جاؤں گا پھر. اچھا تھوڑے دنوں تک آ جاؤں گا پوچھے میں جانتا ہوں وہ شہر ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوش رہنا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں نا رونا نہیں نا رونا رونا نہیں رونا نہیں ہے میں آؤں گا تو حیاتی نہیں رہو گی. میں آؤں گا نا خوش رہ کر بس ٹھیک ہے ہاں پھر میں آؤں گا. اچھا اب بوتل لا نہ دیے بوتل لگی ہوئی ہے. اصل میں فارج کی وجہ سے نانا ابو کو جب فارج ہوا تھا نا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ افیکٹڈ ہوئی ہے زبان, تو کئی الفاظ جو ہیں وہ صحیح نکلتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ صحیح نہیں بول پاتے. لیکن الحمدللہ گھر میں جو کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, اشارہ ہی کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے. جیسے میں گاؤں سال رہا تھا نا پچھلے, تو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار نانا ابو نا ابھی فلاں چیز مانگ رہے ہیں, ابھی واش روم جانا ہے, ابھی پانی مانگ رہے ہیں, ابھی کھانا کھانا ہے, بھوک لگی ہے. تو یہ بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نانا ابو کو جلدی سے جلدی صحت یاب بھی عطا فرمائے. تیاری ہماری ہو گئی ہے جی اور ہیلمٹ ہمارا ریڈی ہے جی. یہ جو گاؤں کا ٹور تھا پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں آپ, اس میں میں انشاءاللہ اس میں سارا کچھ میں نے وہ گاؤں کا تھوڑا بہت شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ملیں گے زندگی رہی بخیر, تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے, آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ, فی امان اللہ. We'll be right back.